मुंबई के चांदीवली विधानसभा के विधायक दिलीप मामा लांडी सभी नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। विधायक दिलीप मामा लांडी चांदीवली विधानसभा में सभी वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके घर से वैक्सीन सेंटर तक ले जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं कोरोना से सभी को बचाने के लिए चांदीवली विधानसभा के सभी क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव यानी सैनिटाइजर करवा रहे हैं। आपको बता दें कि चांदीवली विधानसभा में हर रोज 200 से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। वहीं विधायक दिलीप मामा लांडे अपनी खुद की गाड़ी से सभी लोगों को कोरोना सेंटर तक ले जा रहे हैं। सभी से अपील करते हुए विधायक दिलीप मामा लांडे ने कहा कि सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित रहे, अगर कोई ज़रूरत हुई तो मैं खुद आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। चांदीवली पैटर्न का एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस पैटर्न के अंदर लसीकरण का काम बहुत जोरों के साथ में लोगों को भरोसे में लेके विश्वास में लेके किया है। चांदीवली विधानसभा के सभी पदाधिकारी को विश्वास में लेके शिवसेना के उनको लोगों के घर तक जाके जिनको लसीकरण करना है उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको एक सेंटर पे बुलाना और वहाँ से लॉकडाउन में आने जाने की जो तकलीफ़ है वहाँ से आने जाने की व्यवस्था किया है। मेरा खुद का वाहन भी उनको दिया है और लोगों को लसीकरण सेंटर तक लेके जाना, वहाँ पे उनको लसीकरण की व्यवस्था करके देना और वहाँ से हॉस्पिटल से वापस उनके घर तक छोड़ने का काम चांदीवली विधानसभा पैटर्न में शुरू किया है। हर दिन 250-300 लोग आके हमारे पास रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और लसीकरण कर रहे हैं। लोगों का ये विश्वास और लोगों का आशीर्वाद बहुत बड़े पैमाने के साथ में हमको मिल रहे हैं और लोगों को ये लसीकरण से ये कल चांदीवली में ये रोग का जो प्रादुर्भाव बढ़ रहा है वो रोकने का कोशिश हो जाएगा और चांदीवली से ये रोग मुक्त हो जाएगा। ऐसे हम परमेश्वर को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ और ये सब काम करने के लिए हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब का आशीर्वाद है, हमारे पालक मंत्री आदित्य साहब का आशीर्वाद है और यहाँ पे हमारे जो विभाग प्रमुख है जो परिवहन मंत्री है अनिल परब साहब के नेतृत्व में ये काम हम लोग शुरू किया है। सैनिटाइज और मास्क बांटने का काम तो शुरू किया है। आप अगर अभी भी जाके देखेंगे तो घरों घर जाके हर घर पे एक बैग में 5 मास्क का भर के बैग उनके घर तक पहुंचा रहे। उसी के साथों साथ झोपड़पट्टी के अंदर ये जो लसीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन का मालूम नहीं है, इसलिए हमारे शिवसैनिक उनके घर तक जाके ऐप पे कैसा रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से सेंटर पे आपको लस मिलेगा, वहाँ पे जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कहाँ है, ये सब जन जागृति करने का काम शुरू किया है और लोगों के घर तक जा रहे हैं। हम लोग लोगों से हाथ जोड़ के विनती यही करेगा कि आप घर पे रहिए, निश्चिंत रहिए, सरकार आपको सहयोग कर रहा है और मेरा विभाग है, मेरी जिम्मेदारी है आपकी सेवा करना, आपको लसीकरण तक लेके जाना और ये रोगों से मुक्त करने के लिए आपको मदद करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, CN न्यूज़।